हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। द आर्टिस्टिक सोल। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को कौन नहीं जानता होगा। ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। शाहरुख खान वर्ल्ड रिचेस्ट एक्टर की लिस्ट में भी शामिल होते हैं। इन्होंने बिना किसी गॉडफादर के बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाया और कड़ी मेहनत करके एक मुकाम हासिल किया और आज करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, जिससे वो अपने शौक को पूरा करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम शाहरुख खान की लाइफ स्टोरी के साथ उनकी लाइफ स्टाइल भी जानेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शाहरुख का रियल नेम शाहरुख खान है और इनको प्यार से SRK किंग खान, किंग ऑफ रोमांस और बादशाह कहते हैं। शाहरुख का जन्म 2 नवंबर 1965 को न्यू दिल्ली में हुआ और 2023 के हिसाब से 58 साल के हैं। दोस्तों, इन्होंने अपना बचपन दिल्ली के राजेंद्र नगर में गुजारा। इनके पिता इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे और जीवन यापन के लिए दिल्ली में रेस्टोरेंट का कारोबार किया करते थे और पूरा परिवार एक किराए के मकान में रहता था। शाहरुख ने स्कूल की पढ़ाई सेंट कोलंबियाज स्कूल से की। स्कूल के दिनों में शाहरुख पढ़ाई के साथ साथ खेल कॉम्पिटिशन जैसे की क्रिकेट, फुटबॉल और नाटक में भी पार्टिसिपेट लिया करते थे और कई दफा इन्होंने फर्स्ट प्राइज भी जीता था। इसके बाद इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से BA इन इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद इन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली में अपना दाखिला करवा लिया, जहां पर ये मास कम्युनिकेशन में मास्टर कर रहे थे। हालांकि फिल्मों में करियर बनाने के लिए इन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि इनका मन पढ़ाई से ज्यादा नाटक और थिएटर में लगता था। इसके बाद इन्होंने कुछ साल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी बिताए, जहाँ पर ये थिएटर किया करते थे। अब बात करते हैं शाहरुख खान के करियर के बारे में। शाहरुख का पहला टेलीविजन सीरियल था दिल दरिया। हालांकि इसकी शूटिंग में देरी होने के कारण इनका टेलीविजन डेब्यू फौजी नाम के सीरियल से हुआ था, जिससे इन्हें काफी पॉपुलैरिटी मिली थी। इसके बाद कई तरह के टेलीविजन सीरियल में काम करने के बाद इन्होंने अपना बॉलीवुड में डेब्यू साल 1992 में आई फिल्म दीवाना से किया था। इस फिल्म से इन्हें काफी तारीफ मिली थी। इसके बाद इन्हें बॉलीवुड में फिल्मों का ऑफर मिलने लगे। शुरू में तो इन्हें फिल्मों में नेगेटिव रोल मिला करता था, जैसे कि बाजीगर और डर। इन फिल्मों में शाहरुख ने अपने जबरदस्त नेगेटिव किरदार निभाकर बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाया। इसके बाद शाहरुख ने कई रोमांटिक फिल्में की, जैसे कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है, परदेश, देवदास और कई फिल्मों में बेहतरीन एक्टिंग के बदौलत इन्हें रोमांस किंग कहा जाने लगा। इनकी फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने तो इतिहास रच दिया और बॉक्स ऑफिस इंडिया की तरफ से इस फिल्म को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म घोषित किया गया और इस फिल्म का शो मुंबई के एक सिनेमा घर मराठा मंदिर में आज भी चल रही है। इसके बाद शाहरुख ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार फिल्मी दुनिया में एक से बढ़कर एक फिल्म करके अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया और साल 1999 में शाहरुख की सिर्फ एक फिल्म आई बादशाह, जिसने बॉक्स ऑफिस पर आते ही तबाही मचा दी। इस फिल्म की वजह से शाहरुख खान बॉलीवुड के बादशाह बन गए और इसी साल शाहरुख खान ने जूही चावला के साथ मिलकर ड्रीम्स अनलिमिटेड नाम का प्रोडक्शन हाउस खोला, जिस प्रोडक्शन हाउस में इन्होंने पहली फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी रिलीज करी। लेकिन ये शाहरुख की फिल्म फ्लॉप हो गई और बॉक्स ऑफिस पर टिक नहीं पाई और साल 2000 में शाहरुख खान ने कमल हसन की फिल्म हे राम में सपोर्टिंग रोल किया, जो फिल्म तमिल और हिंदी में रिलीज की गई और ये शाहरुख खान की तमिल डेब्यू फिल्म थी। और 2001 में शाहरुख के प्रोडक्शन हाउस द्वारा फिल्म अशोका रिलीज की गई, लेकिन ये फिल्म भी फ्लॉप रही। दोस्तों, 2004 में प्रोडक्शन हाउस ड्रीम्स अनलिमिटेड का नाम बदलकर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट कर दिया गया और एज अ प्रोड्यूसर इनकी वाइफ गौरी खान बन गई। और इसी साल फराह खान की डायरेक्शनल डेब्यू फिल्म मैं हूं ना में शाहरुख खान ने काम किया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कलेक्शन किया और ये वही साल था जिसमें शाहरुख खान की फिल्म स्वेडेस आई और ये भारत की पहली ऐसी फिल्म बनी जिसको नासा में शूट किया गया। और साल 2004 के बाद शाहरुख खान ने कई बॉलीवुड फिल्म में काम किया, जिनमें से कुछ फिल्मों के नाम हैं चक दे इंडिया, ओम शांति ओम, रब ने बना दी जोड़ी, माय नेम इज खान, रावण, डॉन 2, चेन्नई एक्सप्रेस, दिल वाले, फैन और जीरो। और अब 2023 में शाहरुख खान की फिल्म पठान आई, जो बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। दोस्तों, पठान मूवी आपने देख ली है? अगर देख ली है तो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और साल 2023 में शाहरुख खान की फिल्म जवान और डंकी आने वाली है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना शाहरुख खान की कौन सी फिल्म आपकी सबसे फेवरेट फिल्म है। अब बात करते हैं शाहरुख खान के हाउस के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, शाहरुख खान का आलीशान बंगला मन्नत है, जिसे शाहरुख खान ने मुंबई के बैंड स्टैंड में 13 करोड़ रुपए में खरीदा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मन्नत की कीमत फिलहाल करीब 200 करोड़ रुपए है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि मन्नत के केवल नेम प्लेट ही लाखों रुपए की है, जिसे खुद गौरी खान ने डिजाइन किया था। इसके अलावा अलीबाग में भी शाहरुख खान का घर है, जहां पर अक्सर फैमिली के साथ हॉलीडे एंजॉय करने के लिए जाते रहते हैं। इस घर की कीमत 15 करोड़ रुपए है।
शाहरुख खान का दुबई के पाम जुमेरा में एक आलिशान विला है जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपए है। दुबई बेस्ड प्रॉपर्टी डेवलपर नखिल ने इस विला को साल 2007 में शाहरुख खान को गिफ्ट के तौर पर दिया था। मुंबई और दुबई के अलावा शाहरुख खान का लंदन में भी घर है जो 172 करोड़ रुपए का है। शाहरुख खान जब भी परिवार के साथ लंदन जाते हैं वे परिवार के साथ वहां वक्त बिताते हैं। चलिए मिलवाते हैं आपको शाहरुख खान की फैमिली से। तो दोस्तों इनके पिता का नाम है ताज मोहम्मद खान जो कि एक बिजनेसमैन थे और इनकी माँ का नाम है लतीफ फातिमा जो कि एक मजिस्ट्रेट और सोशल वर्कर थी। और शाहरुख खान की एक बहन भी है जिनका नाम है शहनाज ललारुख और इनकी वाइफ है गौरी खान जिनसे इन्होंने 1991 में शादी की जो कि एक फिल्म प्रोड्यूसर और इंटीरियर डिजाइनर है। दोस्तों इनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटा और 1 बेटी। इनके बड़े बेटे का नाम है आर्यन खान और छोटे बेटे का नाम है अब्राहम खान और इनकी एक बेटी है जिनका नाम है सुहाना खान। अब बात करते हैं शाहरुख खान के कार कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं शाहरुख कार के काफी शौकीन हैं, ये चलते इनके कलेक्शन में कई लग्जरी और महंगी कारें शामिल है जिनमें पहली कार है हुंडई क्रेटा जिसकी कीमत है 17 लाख रुपए और दूसरी कार इनके पास है मित्सुबिशी पजेरो जिसकी कीमत है 25 लाख रुपए और वहीं शाहरुख खान ऑडी 8L भी ओन करते हैं जिसकी कीमत है 1,57,00,000 रुपए और दोस्तों शाहरुख के पास टोयोटा लैंड क्रूजर भी है जिसकी कीमत है 1.5 करोड़ रुपए। वहीं शाहरुख खान BMW के BMW i8 भी ओन करते हैं जिसकी कीमत है 2,14,00,000 रुपए और शाहरुख के पास BMW 6 सीरीज कन्वर्टिबल भी है और इस कार की कीमत है 1,19,000 रुपए और शाहरुख के पास BMW 7 सीरीज भी है जिसकी कीमत है 2,82,00,000 रुपए। और 9th नंबर पर आती है शाहरुख की लैंड रोवर रेंज रोवर स्पोर्ट जिसकी कीमत है 2,19,00,000 रुपए और वहीं शाहरुख के पास बेंटले कॉन्टिनेंटल GT भी है और इस कार की कीमत है 3,57,00,000 रुपए। और दोस्तों शाहरुख खान उन एक्टर में भी शामिल होते हैं जिनके पास रोल्स रॉयस है। इनके पास रोल्स रॉयस फैंटम ड्रॉप हेड कूपे है जिसकी कीमत है 7,60,00,000 रुपए और वहीं मैं आपको बता दूं शाहरुख खान की सबसे महंगी कार है बुगाटी वेरोन जिसकी कीमत है दोस्तों 12 करोड़ रुपए। शाहरुख के पास एक वैनिटी वैन है जिसको कस्टमाइज की गई है और इस वैनिटी वैन का नाम वोल्वो VR9 है जिसकी कीमत है 4 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं शाहरुख खान के इनकम के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं शाहरुख खान एक फिल्म के लिए 80 से 100 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं और वहीं एक ब्रांड को इंडोर्स करने के लिए 22 करोड़ रुपए लेते हैं। दोस्तों शाहरुख खान एक बिजनेसमैन भी है तो इन्होंने 930 करोड़ रुपए की पर्सनल इन्वेस्टमेंट कर रखी है जिस वजह से इनकी इनकम होती है और शाहरुख खान अपने प्रोडक्शन हाउस और IPL टीम से भी इनकम करते हैं। वहीं बात करें शाहरुख खान के नेटवर्थ के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं शाहरुख खान वर्ल्ड रिचेस्ट एक्टर में शुमार होते हैं जिस चलते इनके नेटवर्थ है 6,282 करोड़ रुपए। तो ये थी शाहरुख खान की लाइफ स्टाइल वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना और ये भी कमेंट करके जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो किस सेलिब्रिटी के बारे में चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो कर देना लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। Thanks for watching this video. Please subscribe our channel.